हेलो दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमितीय स्टार्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? त्रिकोणमितीय स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। उसका आज सातवां क्लास देखेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री छठा क्लास तक हो चुका था, आज सातवां क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कल देखे थे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी के बारे में हम लोग जान चुके थे, ठीक है। उससे आगे आज बढ़ेंगे, ठीक। आइए देखते हैं पहला नंबर कि अगर कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। है समझ में? और साइन ए साइन ए प्लस बी इजकल टू होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? कल ही देखे थे, क्या किए थे कल ही, इतना तक देख चुके थे हम लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे, दोनों को अगर भाग करेंगे, दोनों को अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस बट्टे साइन क्या होगा, कॉट ए प्लस बी होगा, क्या होगा, ए प्लस बी। कॉस बट्टे साइन क्या होगा और कॉट ए प्लस बी होगा इजकल टू, इस दोनों को भाग करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, बट्टे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? चलिए इसमें क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस साइन बी से भाग देने पर, ठीक। क्या करेंगे, कॉट ए प्लस बी इजकल टू साइन ए साइन बी से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। साइन ए कॉस ए बट्टे साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए होगा इंटू कॉस बी साइन बी क्या होगा, कॉट बी होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों तो वन हो जाएगा, ठीक। इसमें भी भाग करेंगे, साइन ए साइन ए से साइन ए क्या होगा, कटेगा, कॉस बी साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉस ए साइन बी से साइन बी क्या होगा, कटेगा, तो कॉस ए और साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो एक ए फॉर्मूला हो गया, क्या हुआ, कॉस कॉट कॉट ए प्लस बी इजक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बट्टे कॉट बी प्लस कॉट ए, क्या होगा, कॉट ए प्लस बी इजक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस बट्टे माइनस वन बट्टे कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। ये हो गया प्लस वाला में, अगर माइनस में कहे तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में? यहाँ तुमको किसी को दिक्कत नहीं? चलिए नोट कीजिए, ये हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, आइए आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या निकाले, कॉट ए प्लस बी इजकल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बट्टे कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। एक ए फॉर्मूला होगा, और कॉट ए माइनस बी इजकल टू क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बाई कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होगा, कितना, ये दो फॉर्मूला हो गया कॉट पे, इसी तरह साइन पे भी हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, इसी तरह साइन पे भी निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब साइन पे निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन पे, ठीक है। दूसरा, साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यही होता है। उसके बाद क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे कल, क्या किए थे, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत
नहीं, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे दोनों को, ठीक है। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन क्या होगा, टेन ए प्लस बी हो जाएगा, टेन ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा, दोनों को भाग करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ भाग देंगे, इधर जो है सो लिख देंगे टेन ए प्लस बी इजकल टू साइन, भाग देंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देंगे, ठीक है। तो कॉस बी से भाग देंगे तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस है तो प्लस कॉस बी कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, ठीक। इसको ऊपर और नीचे दोनों में क्या किया, भाग दिए, भाग दी, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको फॉर्मूला में तब्दील कर देंगे, ठीक है। कॉस ए बट्टे कॉस बी, दोनों से दोनों कटेगा तो वन हो जाएगा, माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, एक ए फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, टेन ए प्लस बी इजकल टू टेन ए प्लस टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। इसमें दूसरा फॉर्मूला होगा कि टेन ए माइनस बी इजकल टू टेन ए माइनस टेन बी बट्टे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। आया बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। क्या किया, टेन ए प्लस बी निकाले और टेन ए माइनस बी, अब इसको माइनस वाला लगा कर माइनस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किया, क्या किया, प्लस वाला निकाल करके जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस डाल दिया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस डाल दिया, तो दो फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, दो फॉर्मूला वहाँ से निकल गया। आया समझ में, चलिए नोट कीजिए, देखते हैं द कॉट कॉट ए प्लस बी इजकल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, इतना हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ पर यदि तीसरा नंबर है, यदि ए इजकल टू बी लेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट यानी कि बी की जगह पर क्या डालेंगे, ए डालेंगे तो ए प्लस क्या होगा, ए होगा, ठीक है। कॉट ए इंटू कॉट क्या होगा, ए माइनस वन बाई कॉट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। क्या किए, बी की जगह पर हम लोग ए रख दिए, क्या किए, बी की जगह पर ए रखे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस ए क्या होगा, टू ए होगा, इजकल टू कॉट ए इंटू कॉट, सॉरी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन बाई टू कॉट ए होगा, क्या होगा, टू कॉट ए होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो कॉट टू ए क्या निकल गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन बाई टू कॉट ए, कॉट टू ए क्या निकला, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन बटे टू कॉट ए, ठीक है। आया समझ में, चलिए इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फोर नंबर देखेंगे, क्या करेंगे, फोर नंबर, टेन ए प्लस बी इजकल टू टेन ए प्लस बी इजकल टू टेन ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा, टेन ए, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी क्या होगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, हम लोग देखे अभी जस्ट देखे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यदि ए इजकल टू बी फिर लेंगे, क्या करेंगे, ए इजकल टू बी लेने पर यहाँ पर बी की जगह पर क्या डालेंगे, ए डालेंगे तो टेन ए प्लस ए इजकल टू टेन ए प्लस टेन ए, बी की जगह पर क्या लिए, ए रख दिए, तो यहाँ पर बी था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वन माइनस टेन ए इंटू क्या हो जाएगा, टेन ए, ठीक है। आया समझ में, क्या करेंगे, टेन टू ए इजकल टू टेन ए, टेन ए क्या हो जाएगा, टू टेन ए बट्टे
वन माइनस टेन है इंटू टेन है, क्या हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टेन टू ए क्या निकाल रहे हैं, टेन टू ए इजकल टू टू टेन है बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन टू ए इजकल टू टू टेन है बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर ए, आया समझ में, चलिए नोट कीजिए, देखते हैं मिटा इसको। हाई देखते आ गया टेन कॉट ए टू ए का फॉर्मूला निकल चुका है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं चौथा नंबर कि साइन साइन क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। क्या होगा साइन 60 इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इजकल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। क्या होगा कॉस 60 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा 1/4 कॉस क्या होगा 3 थीटा, है समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। अब दोनों को क्या करें, अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा टेन साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्या होगा टेन 60 डिग्री इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा टेन 3 थीटा, क्या होगा टेन 3 थीटा, क्योंकि 1/4 से 1/4 कट जाएगा, साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा टेन 3 थीटा। अब इसको उल्टा करके भाग देंगे तो क्या निकलेगा कॉट 60 इंटू कॉट क्या होगा 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा कॉट 3 थीटा, क्या 1/4 से 1/4 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस 3 थीटा बटे साइन 3 थीटा इजकल टू क्या होगा कॉट 3 थीटा, है समझ में। चलिए इसको नोट करेंगे हम लोग, इतने चार फॉर्मूला हो गया, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट करो। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अब क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री का मान क्या होगा, 80 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री का मान क्या होगा। देखो साइन 20 साइन क्या होगा 60 माइनस 20 तो हम लोग निकालेंगे इसको तो 40 निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा साइन साइन 60 प्लस 20, ठीक है, आया समझ में, 60 की जगह पर 60 और थीटा की जगह पर 20 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, तो थीटा की जगह पर 20 है तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन क्या होगा 23 जा 60, तो क्या होगा साइन 60 डिग्री 1/4 साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3/4 जा 8 होगा, आया समझ में। तो इसको क्या किया कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा पर क्या किया क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 1/4 साइन 3 थीटा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि 20 है तो यही थीटा होगा, तो क्या करेंगे थीटा की जगह 20 डाल देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आया समझ में, यहाँ तक मैं किसी को दिक्कत नहीं बेटा, चलेगा इसको बेटा। आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे साइन पाई बाई नाइन साइन पाई बाई नाइन, ठीक है, साइन पाई बाई नाइन साइन 3π/9 साइन 5π/9 साइन 5π/9 साइन साइन 7π/9 7π/9, ठीक है। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे साइन पाई का मान 180/9 इंटू साइन 3×180/9 इंटू साइन 5×180/9 इंटू साइन 7×180/9, ठीक है। क्या किया पाई की जगह पर 180 डाल दिए, 9 2 जा क्या होगा 180
29 जहाँ साइन क्या हो जाएगा 20, साइन 23 जहाँ 60, साइन 25 जहाँ 100 इंटू साइन 27 जहाँ 140, ठीक है 27 जहाँ क्या होगा 140, यहाँ तक किसी को दिक्कत। साइन क्या होगा 20 साइन 60, साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2 इंटू साइन, क्या यहाँ पे 20 लाना है तो क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस 80, साइन 180 माइनस 80 लिखेंगे तो क्या होगा साइन 100 हो जाएगा, साइन 100 के जगह पर 180 माइनस 80 लिखे तो क्या होगा साइन 100 हो जाएगा इंटू साइन 100 प्लस क्या होगा 40, तो क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस 180 माइनस क्या होगा 40 होगा, ठीक है 180 माइनस 40 क्या करेंगे साइन 20 डिग्री गुने रूट अंडर 3/2 गुने साइन क्या होगा 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री होगा, साइन 80 डिग्री होगा इंटू साइन क्या होगा 40 डिग्री होगा, होगा क्योंकि 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, 180 माइनस 80 साइन, 180 माइनस से क्या साइन है, साइन 180 माइनस से क्या होगा साइन है होगा। अब क्या करेंगे साइन 20 डिग्री इंटू रूट अंडर 3/2 गुने साइन 60 प्लस 20 साइन 60 माइनस 20 इसका फॉर्मूला 1/4 गुने साइन 3 गुने 20 क्या होगा 60 गुने रूट अंडर 3/2 1/4 गुने साइन 60 का मान रूट अंडर 3/4 गुने रूट अंडर 3/2 3 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा 3 बटे 4 पर जा 16 4 जा रूट अंडर 3/2 4 जा 16 3/16 आया समझ में, क्या होगा 3/16 आंसर होगा, ठीक है 3/16 आगे बढ़े। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, थ्री नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टेन डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री, टेन डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री टू टेन 70 डिग्री, ठीक है क्या होगा टेन डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री क्या करेंगे टेन डिग्री इसको किनारे लिखेंगे टेन 60 माइनस 10 और टेन 60 का मान रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा टेन 60 प्लस 10, ठीक है क्या होगा सीधा हो जाएगा टेन 3 गुने 10 गुने रूट अंडर 3 होगा क्योंकि टेन ए इंटू टेन 60 माइनस है इंटू टेन 60 प्लस ए का फॉर्मूला होता है 3 टेन 3 ए, ठीक है यहाँ पर टेन 3 ए के जगह पर क्या डाल दिया टेन टेन 30 डिग्री इंटू रूट अंडर 3 टेन 30 डिग्री का 1/√3 तो गुने रूट अंडर 3 तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 से 3 कट जाएगा क्या होगा 1 आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या किए जहाँ पे मान डालने वाला होगा ना उसको मान डाल देंगे नहीं तो बाकी फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ठीक है आया समझ में। चलिए 4 नंबर देखते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साइन 12 क्या करेंगे साइन 12 डिग्री साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री साइन साइन 54 डिग्री, ठीक है साइन 54 डिग्री, ठीक है अब क्या करेंगे इसमें कि साइन 72 डिग्री से क्या करेंगे गुना और भाग करेंगे, क्या करेंगे गुना और भाग करेंगे, ठीक है भाग करेंगे ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री
इंटू साइन 54 डिग्री इंटू 1 बाई साइन क्या होगा 72 डिग्री। ठीक है, है समझ में। क्या किया है, साइन 72 डिग्री से गुना किया। क्या किया, साइन 72 डिग्री से गुना किया। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि साइन 12 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 12, 10 में 2 जाएगा 8, 5 में से बन गया 4। ठीक है, साइन 60 प्लस 12, ठीक, इंटू साइन 54 गुने 1 बाई साइन 72 डिग्री। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा तो 12 3 जट क्या होगा 36 हो जाएगा, होगा। ठीक, इंटू क्या होगा, साइन 54 डिग्री इंटू 1 बाई साइन 72 डिग्री। आया समझ, चलिए यहाँ तक हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि साइन 36 डिग्री, इसको क्या करेंगे कि साइन क्या करेंगे, साइन क्या होगा, साइन 90 माइनस 36 होगा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक, तो 90 माइनस 30 क्या होगा, 90 माइनस 30 क्या होगा, 1 बाई 4 साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 30 क्या होगा, साइन 90 माइनस 30 क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री 1 बटे साइन 72 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 बाई 4 पहले से 1 बाई 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 साइन है इंटू कॉस है, फॉर्मूला पे हो जाएगा कॉस 36 डिग्री इंटू 1 बाई साइन 72 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 बाई 8 2 साइन इंटू कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन 2 है तो 36 2 जा क्या होगा 72, साइन 72 डिग्री इंटू 1 बाई साइन 72 से 72 कर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 8, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं कि लास्ट में किस चीज़ के फॉर्मूला पर बैठ गया, साइन 2a के फॉर्मूला पर, किस पे, साइन 2a के। ठीक है, मिटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कि साइन 22.5 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, साइन 22.5 डिग्री का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे, साइन 22.5 डिग्री का मान निकालने के लिए अगर a इक्वल टू 22.5 डिग्री अगर माने तो दोनों तरफ दो से क्या करेंगे, दोनों से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ दो से गुना करने पर क्या करने पर, दो से गुना करने पर। ठीक है, तो 2a इक्वल टू 20 to 45 बाई 2 गुने क्या होगा, 2 से 2 कर जाएगा दोनों तरफ, कॉस लगाने पर, कॉस अगर लगाएंगे दोनों तरफ तो कॉस क्या हो जाएगा 2a होगा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, और कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 45 कॉमन 1 बटे रूट अंडर 2। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 नीचे लाएंगे तो 2 नीचे आ गया तो क्या होगा, साइन ए स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट अंडर से हटेगा तो किसका हो गया, साइन ए, साइन 22.5 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 22.5 डिग्री का मान रूट अंडर 2 माइनस 1 बटे 2 रूट अंडर, एक जगह पर क्या माने 22.5 डिग्री, तो साइन 22.5 डिग्री का मान जो होगा क्या होगा, रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर 2 का होल रूट अंडर, ये 22.5 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, आया समझ में, तो हम लोग क्या निकाले, 22.5 डिग्री का मान निकाल चुके हैं, क्या रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई 2 रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 का होल रूट अंडर। ठीक है, ये हो गया साइन 22.5 डिग्री का मान। ठीक, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, इधर कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, कॉस 2a
कॉस टू एट कॉस ए के जगह पर क्या डालेंगे, सारे 22 डिग्री, ठीक। कॉस टू गुने 45 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, कॉस 45 का मान क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 2। तो सिंपल था क्या, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला है, क्या कॉस टू ए का फॉर्मूला है, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉस टू एज कल टू ए के जगह पर क्या डालेंगे, सारे 22 डिग्री, 2 से 2 कर जाएगा 45 बचेगा, 45 का मान क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 2 होता है समझ में। चलिए एक और देखते अगला नंबर को, अच्छा सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे 1 माइनस साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस साइन 10 डिग्री साइन 50 है तो क्या लिखेंगे, 60 माइनस 10 साइन क्या होगा 60 प्लस 10, तो 60 प्लस 10 क्या होगा 70 60 माइनस 10 क्या होगा 50। 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 3a 1/4 साइन 3 है, एक जगह पर क्या है 10, यहाँ 10 डालेंगे, ठीक है। 1 माइनस 1/4 साइन क्या होगा 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो क्या होगा 1 माइनस 8, ठीक, क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/8 क्या होगा 7/8, आया समझ में। चलिए इसको नोट हम लोग आगे देखते हैं, a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इसी में कॉट ए होता है कि 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, ठीक। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं, प्रूफ क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ टेन ले, टेन लेने पर दोनों तरफ अगर टेन लेंगे तो क्या होगा, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा टेन 45 डिग्री टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 45 का मान 1, क्या करेंगे टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इसको अगर इधर लाएंगे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1, अगर दोनों तरफ एक जोड़ दे, दोनों तरफ एक जोड़ दे, एक इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन ए बचेगा, प्लस अगर टेन बी कॉमन ले लें तो 1 प्लस टेन ए बचेगा, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यही ना प्रूफ करना था, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। कहीं अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है तो a और b दोनों का मान अगर 45 आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 होगा, ठीक है। यहाँ भी जैसे 1 माइनस कॉट a कॉट b a और b का योग करने पर 45 अगर आया तो उसका मान क्या होगा 2 होगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे जैसे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 प्लस टेन 5 डिग्री 1 प्लस टेन 40 डिग्री इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट 10 इसका मान क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है, यहाँ पर a प्लस बी क्या है 45 डिग्री है, यही ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है तो डायरेक्ट इसको 1 प्लस टेन 5 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन
40 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, टू आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इसे। है समझ में? चलिए आगे बढ़े, हो गया। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए प्लस बी इजकल टू 45 डिग्री है, तो टेन ए बट्टे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी बट्टे वन माइनस टेन बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, टेन ए तो क्या हो जाएगा, वन बाई कॉट ए बट्टे वन माइनस वन बट्टे कॉट ए, ठीक है, इंटू वन बट्टे कॉट बी बट्टे वन माइनस वन बट्टे कॉट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वन बाई कॉट ए बाई कॉट कॉट ए माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, कॉट ए होगा, कॉट ए से कॉट कर जाएगा, वन बाई कॉट क्या होगा, बी होगा, बट कॉट बी माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, कॉट बी होगा। ठीक है, कॉट बी से कॉट बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वन बाई कॉट ए माइनस वन इंटू वन बाई कॉट बी माइनस वन क्या हो जाएगा, वन बाई, इसका मान कितना होता है, जस्ट लिखा है टू होता है, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू आंसर। ठीक है समझ में? चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री है, तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री है, तो टेन ए इंटू टेन, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इजकल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ इसको करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करते हैं, ये होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री दिया है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इजकल टू टेन ए इंटू टेन बी टेन सी। ठीक, क्या करेंगे कि ए प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री माइनस सी, टेन लेने पर दोनों तरफ, अगर टेन लेने पर टेन ए प्लस बी, ठीक, टेन 180 माइनस सी होगा, तो क्या होगा, टेन ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन सी होगा, वो भी माइनस में होगा। ठीक है, टेन सी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, टेन सी क्या होगा, माइनस टेन 180 माइनस सी क्या होगा, माइनस टेन सी, 180 माइनस सी क्या होगा, माइनस टेन सी होगा, 180 माइनस सी क्या होगा, माइनस टेन सी होगा, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी क्या होगा, माइनस सी, इसमें गुना करेंगे तो माइनस टेन सी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक, अब इधर अच्छा लगेगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इजकल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, इन्हें प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इजकल टू टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इजकल टू टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, ये क्या करना था, प्रूफ करना था, है समझ में? चलिए इस पर एक और देखते हैं, जैसे कॉट वाला तो हो जाएगा, इसमें कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इजकल टू क्या होगा, वन होगा। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इजकल टू क्या होगा, वन होगा। ठीक है समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, अगला नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन करते हैं, टेन नंबर क्वेश्चन करें, तो लिखा हुआ टेन 37 डिग्री
टेन प्लस टेन 73 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री का मान निकाला है व्हाट। तो देखो इस दोनों का योग करेंगे 7 3 10 0 7 7 40 या 3 क्या हुआ 71 80 तीनों का मान कितना गया 180 आ गया। तो टेन ए 37 इंटू टेन बी 73 इंटू टेन सी क्या हो जाएगा 70 डिग्री आंसर मिलेगा। यही नहीं आंसर हो गया इसका, क्या होता है इसका फॉर्मूला टेन ए इंटू टेन बी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। तो टेन 37 डिग्री इंटू टेन 73 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री है समझ में। चलिए एक और करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ तक मिटाए इसको। एक नंबर और क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि टेन फोर्टी डिग्री नहीं इसको छोड़ दे, इसको बाद में करेंगे। आइए हम लोग अगले का देखते हैं, इसको बाद में करेंगे। आइए अगले का नंबर देखें तो दिया हुआ कि साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है इसको प्रूफ करना है, ठीक है देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर होगा माइनस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है समझ में। चलिए नोट कीजिए, हो गया। अगला नंबर देखेंगे साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इजकल टू 1 - साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इजकल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्रूफ करेंगे इसको, क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3। ठीक है क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर साइन के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा प्लस कॉस के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या करेंगे 1 होगा इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है तो 1 हटाइए देंगे इसको, फिर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू का होल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin θ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ, यही प्रूफ हो गया। ठीक है यही क्या हो गया प्रूफ हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत क्या किए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर क्या किया इसको तोड़ दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर क्या किया इसको तोड़े। आया समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू सी यू थैंक यू।